हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आजकल हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं नई नई मात्राएं, मात्राओं का ज्ञान कर रहे हैं और हमने बहुत सारी मात्राएं सीख भी ली हैं। और आज हम आपकी पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से कौन सी क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है? इसमें बच्चों चंद्र बिंदु लगता है। इसकी जो पहचान है वो है ये इसको बोलते हैं अनुनासिक जैसे। और इसकी आवाज़ होती है, इसका उच्चारण कैसे होता है? आ आ करके, आ जैसे पा पाव गाँव काव। इसमें जो होता है चंद्रबिंदु लगता है, जैसे क है, क के ऊपर चंद्रबिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा की तरह ऐसे है और बिंदु है, तो इसको हम बोलते हैं चंद्रबिंदु। और इसको बोलेंगे कैसे? क में अगर चंद्रबिंदु लग गया तो आवाज़ आएगी, इसका उच्चारण होगा का। चा में अगर चंद्रबिंदु लग गया तो उसकी आवाज़ कैसे बोलेंगे? चा। मा में चंद्रबिंदु है मा, और सा में है तो सा। देखिए एक अक्षर देखिए, पा, पा पे चंद्रबिंदु, पा पा। हल्की सी कान से आवाज़ आएगी, नाक से बोलेंगे पा व पा व। गा में चंद्रबिंदु है तो गा व गा व। सा में आ की चंद्रबिंदु की मात्रा है, ऊपर चंद्रबिंदु है साप साप। गा, गा के ऊपर चंद्रबिंदु है तो क्या हो जाएगा? गाठ गाठ। ता, ता में ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया और गा तांगा। आ, आ के ऊपर चंद्रबिंदु अंगीठी अंगीठी। तो चलिए अब और बहुत सारे शब्दों का जो है अभ्यास करते हैं चंद्रबिंदु वाले। पा, पा के ऊपर चंद्रबिंदु पाव पाव। जा, जा के ऊपर चंद्रबिंदु जा घ। देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, आ आ। थोड़ा सा ये नाक से होगा ना जा। द, बा, बा के ऊपर चंद्रबिंदु बांस बांस। द, दा के ऊपर चंद्रबिंदु दाव दाव। जा, जा के ऊपर चंद्रबिंदु जांच जांच। पा, पा के ऊपर चंद्रबिंदु पांच पांच। य, हा, क, हा, व, हा। हा के ऊपर चंद्रबिंदु आ रहा है तो मैं कैसे बोल रही हूँ? हा। ज, हा के ऊपर जहा। सांस, आँख। सू, चंद्रबिंदु है सूंघ सूंड। घूंट, बूंद। गूंज, मूंग। झांसी, फा पे आ की मात्रा है फांसी। आप, आधी। खांसी। धू, धू, अंक की आवाज आई धू आ धुआ। कुआ, कुआ। लहंगा, महंगा। आंवला, सांवला। हासना, फासना। तो बच्चों ये जो है अनुनासिक, जैसे चंद्रबिंदु लगाते हैं इसमें आवाज करते हैं हम आ आ, जो हल्का सा नाक से होता है और गले से होता है अंग अंग। फांसी, खांसी। आँख, पांच। चलिए अब हम इनको करते हैं थोड़े से अंग चंद्रबिंदु वाले अनुनासिक के वाक्यों का पाठ पढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पे आप देखना मैं इसका उच्चारण कैसे करूँगी, ध्यान दीजिएगा और मेरे बाद इसको दोहराइएगा। सोमवार की चांदनी रात थी, आंचल अपने गांव चांदनीपुर गई। यह रांची से 5 किलोमीटर दूर है। आंचल अपनी माँ के साथ तांगे में गई। आंचल ने वहां आंवले खाए तथा गेहूं के खेत देखे।
तभी आंचल ने वहां एक सांप देखा। सांप देखकर आंचल घर को भाग गई। अभी हमने पाठ पढ़ा चंद्रबिंदु अनुनासी का, और अब एक बार एक पाठ की और अभ्यास करेंगे। गांव में एक लंगड़ा व्यक्ति आया, उसे गांव वाले सांवला कहकर पुकारते हैं। बेचारा एक पांव से लंगड़ा है, उसके एक हाथ में बांसुरी भी है, वह मधुर बांसुरी बजाता है, वह हंसमुख है, वह खांसी के कारण हांफ रहा है। तो बच्चों हमने किसका अभ्यास किया, क्या पढ़ा? हमने अनुनासिक पढ़ाई किया पढ़ा, यानी कि जो चंद्र बिंदु वाले वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, हमने उनका अभ्यास किया। और अब हम करेंगे अक्षरों को उचित क्रम में लगाएंगे। जैसे कि द बू है तो हम इसको क्या कर देंगे, बू बू, अंक की आवाज आई, बूंद। दीचा को हम ठीक करेंगे, चा में अंक की मात्रा, चांदी। वपा लिखा हुआ, इसको ठीक से करेंगे, पा पाव पाव, इसको ठीक करेंगे, सीझा, झांसी झांसी। नाफस फा फा, स ना फसना। नाहस यानी कि हा स हा, हा पे चंद्रबिंदु है तो मैंने क्या बोला, हा हा स ना। तो हमने इनको उचित क्रम में लगाकर सही शब्द बनाए। और अब हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। पर चढ़, किस पर चढ़, क्या बना हुआ है ये, ऊ, चंद्रबिंदु का है, ऊंट, ऊंट पर चढ़। और ये क्या है, क्या बना हुआ है, गेहूं, तो गेहूं साफ कर, गेहूं साफ कर। और ये क्या बनी हुई है बच्चों, ये बनी हुई है एक अंगूठी, तो क्या है, पहन, क्या पहन, अंगूठी पहन, अंगूठी पहन। मत बजा, क्या मत बजा, बांसुरी, कैसे लिखेंगे, बांसुरी मत बजा। और अभी हमने किया सही शब्दों को उचित क्रम में लगाया, और अब है अनुनासिक लगाकर सही शब्द लिखे। अब हम अनुनासिक लगाकर, जैसे कि काप लिखा है, अब हम इसमें अनुनासिक लगा देंगे, क्या बन जाएगा, काप, मह गाई, यहाँ पे क्या लिखा था, महंगाई, अब इसमें अनुनासिक लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, महंगाई महंगाई। ऐसे ही पाच, पाच के यहाँ पे हमने लगा दिया चंद्रबिंदु, क्या बन गया, पाच। ऐसे ही ये लिखा है साच, साच के स पे मैंने अनुनासिक लगा दिया, क्या बन गया, साच साच, इसको बोला कैसे, साच। कलिया कलिया, कलिया में अगर मैंने अनुनासिक लगा दिया तो क्या बन गया, कल कलिया। अगड़ाई 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 में हम कहाँ लगाएंगे अनुनासिक, अंग अंगड़ाई। गलिया गलिया, गलिया में अनुनासिक कहाँ लगेगा, गलिया,
क्या बन जाएगा फिर? गलियां, गलियां तो कोई शब्द ही नहीं होता है ना, तो गलियां। ऐसे ही बांसुरी, बांस बांस, बांसुरी कुछ नहीं होता, अगर हम इसमें अनुनासिक लगा देंगे तो बन जाएगा बांसुरी। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अभी हमने अनुनासिक लगा के हमने इन शब्दों को सही कर दिया। और इसके साथ मैं आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में, और आप इसका घर अभ्यास भी अवश्य करेंगे, बोल के भी और लिख के भी। तो नए शब्द उसके साथ एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, तब तक के लिए आभार।